भले ही नेपाल की तरफ से इस वक्त भारत के इलाकों पर कब्जा जमाने का दम भरा जा रहा हो, लेकिन भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है। भारत विनम्र है, लेकिन अपनी पोजीशन पर टिका है। ऐसे तनाव के बीच भी नेपाल ने जब मदद मांगी तो भारत ने मना नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में एक नेपाली के लिए मेडिकल इमरजेंसी आई तो भारत ने फौरन मदद पहुंचाई। विदेशों से लोगों को ला रहे स्पेशल एयर इंडिया विमान से 3 नेपाली नागरिकों को दिल्ली लाया गया है। सूत्रों के मुताबिक जिन 3 नेपाली नागरिकों को भारत लाया गया है, उनमें से एक का दिल्ली में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, दूसरा शख्स मरीज का भाई है और वही बोन मैरो डोनेट कर रहा है। इनके पिता भी साथ आए हैं। सूत्रों ने कहा कि भारत ने नेपाल की मदद इसलिए की क्योंकि दोनों देशों की दोस्ती अनूठी है और लोग एक दूसरे से बेहद जुड़ाव महसूस करते हैं। 1950 की संधि के आधार पर नेपाल नागरिकों को भारतीय नागरिकों जितनी सुविधाएं ही मिली हैं। नेपाल की तरफ से पिछले कुछ दिनों में कई आक्रामक कदम उठाए गए हैं। पहले उन्होंने अपने आधिकारिक मैप में भारत के कुछ इलाकों को अपनी सीमा में दर्शाया। भारत ने इसे पूरी तरह से एक पक्षीय फैसला बताया और साफ कर दिया कि वे सभी इलाके भारत का हिस्सा हैं। फिर नेपाल ने पिथौरागढ़ से सटे बॉर्डर पर बरसों पुराने एक रोड प्रोजेक्ट को शुरू करवा दिया। यह रोड रणनीतिक रूप से अहम है और उसी इलाके में है जहां नेपाल अपना कब्जा बताता रहा है। नेपाल के तेवरों में शायद थोड़ी नरमी देखने को मिले। काला पानी को लेकर विवाद पर अब वह बातचीत की बात तो कर रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा कि भारत के साथ उनके देश का खास और करीबी रिश्ता है। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर एकमात्र हल अच्छी भावना के साथ बातचीत है। नेपाल कहता है कि काली नदी का ओरिजिन पॉइंट लिम्पिया धुरा है, इसलिए काला पानी और लिपुलेख पास उसका है। भारत के पास मौजूद लैंड रिकॉर्ड्स दर्शाते हैं कि ये इलाका 1830 से ही पिथौरागढ़ का हिस्सा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।